नए साल के आगमन के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां भी शुरू कर दी और इसका आगाज हुआ है महाराष्ट्र से। जेपी नड्डा वहां पहुंचे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 220 करोड़ टीकाकरण डबल डोज और बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच पहन करके हमारे सामने ये तस्वीर दिखती है। मैं आपको इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि हमें माता होना चाहिए, सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है। अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं ये कांग्रेसी अनपढ़, इनके समझ में नहीं आता है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए, इस देश में पोलियो की दवा को आने में 28 साल लग गए। और मित्रों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये कहता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल की व्यवस्था की है। इस कारण से हम अति गरीबी से नीचे आ गए।